अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। 2 तारीख को 3 बजे के बाद ये सभी पोस्टल बैलेट्स हमारे DNP में आएंगे और शाम को वहां पर रखे जाएंगे। उसके बाद 3 तारीख की सुबह 5 बजे पोस्टल बैलेट का कमरा खोला जाएगा और बंडलिंग की प्रक्रिया और सॉर्टिंग की प्रक्रिया सॉर्टिंग बंडलिंग का मतलब ये होता है, अभी हर विधानसभा में डेट वाइज जमा, मान लीजिए उदाहरण दूं खातेगांव विधानसभा में 5 विधानसभाओं के, अभी वहां पर भी ट्रेनिंग हुई, तो 5 विधानसभाओं के वहां पर पोस्टल बैलेट, बट उन्होंने वो डेट वाइज जमा रखे, विधानसभा वाइज नहीं जमा। तो 3 तारीख को सुबह 5 बजे पहला काम हमारा ये होगा कि सबको विधानसभा वाइज ट्रंक बनाए जाएंगे, उनमें से छांट छांट, और वो ट्रंक पोस्टल बैलेट्स के जो आरक्षित कमरे हैं वहां भेजे जाएंगे। इसके अलावा चक्रों की बात करें, सबसे मोस्ट कितने राउंड होंगे हमारे, सोनकच्छ में 21, देवास में 21, हाटपिपलिया में 18, खातेगांव में 21 और बावली में 21, इतने राउंड हमारे उसमें होंगे। प्रयास किया गया है यथासंभव एजेंट्स की एंट्री के रूट EVM के रूट से को हम सैनिटाइज करें, बट चूंकि छोटा परिसर है तो गणना को लेकर जिला प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी है सर, बताएं आप। जैसा कि हम जानते हैं दिनांक 3 को मध्य प्रदेश में काउंटिंग होगी, 2 तारीख की शाम को जो हमारे पोस्टल बैलेट्स हैं विभिन्न विधानसभाओं में और ट्रेजरी में, वो शाम को लाकर BNP में मतगणना स्थल पर रखे जाएंगे। 3 तारीख को सुबह 5 बजे पोस्टल बैलेट का स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद EVMs के स्ट्रॉन्ग रूम हमारे खोले जाएंगे। 8 बजे से पोस्टल बैलेट्स की गिनती हमारी चालू होगी और 8:30 बजे से EVMs की हमारी गिनती चालू हो जाएगी। राउंड्स की बात करें तो प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल के राउंड रखे गए हैं और मैक्सिमम हमारे बागली में 22 राउंड। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती चालू हो जाएगी, वो हमको पूरा यकीन है कि शाम से पहले पहले समाप्त हो जाएगी और शाम तक जितनी तैयारी है हमारी रिजल्ट हम निकालने की स्थिति में रहेंगे। इसके अलावा ताकि BNP में काउंटिंग परिसर पे भीड़ ना रहे, शहर के विभिन्न स्थलों पर बड़ी स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं, वहाँ साइमल्टेनियसली रिजल्ट के जो राउंड वाइज अनाउंसमेंट्स भी हो जाएंगे, भाई किसी को भी BNP पर नहीं आना पड़ेगा। व्यवस्थाओं को लेकर के जो लेबलें लगाई गई है, नहीं 14-3 नियम ये कहता है कि यदि आपके 300 तक मतदान केंद्र हैं किसी विधानसभा में तो आपको 14 तक ही रखने हैं, यदि 300 से अधिक हमारे मतदान केंद्र होते हैं तो संख्या बढ़ती है, चूंकि हमारे मैक्सिमम 300 से कम है इसलिए 14 ही टेबल रखे गए। बिल्कुल, कितने अधिकारी और कर्मचारी वहाँ ड्यूटी देंगे, क्या संख्या सर, क्या अनुमान? लगभग 1000 के आसपास हमारे विभिन्न हमारे काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर, CCTV टीम, ये रनर्स, ये सब मिला के लगभग 1000 लोग हमारे होंगे जो यहाँ पर ड्यूटी देंगे। सर मतगणना की तैयारियों को लेकर पिछले दिनों मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन जी ने भी दौरा किया है, तैयारी को लेकर कितने संतुष्ट? बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, किस प्रकार से बैरिकेडिंग की जाती है, किस प्रकार से एजेंट्स की व्यवस्था की जाएगी, किस प्रकार से काउंटिंग की प्रक्रिया और एजेंट्स में जो हम जालियों का गैप बनाया जाता है, ये सभी बातें माननीय CEO से बताई गई थी और वो पूर्ण संतुष्ट हैं जो प्रक्रिया की तैयारी हमने यहाँ पर की।